नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा रेलवे के लिए आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक के बायोलॉजी के टॉपिक नंबर 11 करने वाले हैं। और आज के टॉपिक की बात करें, 11 नंबर वीडियो में हम क्या करेंगे, हम दाब और घनत्व का स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं। और इसके लगभग 45 से 46 प्रश्न हम करने वाले हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चन और एक ही टॉपिक के है, दाब यानी घनत्व, ठीक। अगर जो आप पहले पढ़ चुके तो क्या होने वाला, आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक। और रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड करा जा रहे, इनको लेके आप पढ़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर की बात हो, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और एक और बात, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, अगर जो आप पहली बार देख रहे हो जाके देख लो। अगर जो आपने 28 तारीख के बाद एग्जाम देना फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा बायोलॉजी रुक्मणी पब्लिकेशन का मैंने करा है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसकी हो या फिजिक्स, ठीक है, दोनों जाके देख सकते हो। साथ में मैथमेटिक्स के लिए भी रुक्मणी पब्लिकेशन की 3200 क्वेश्चन की सीरीज चले, उसको भी ज्वाइन करो। और एक और बात, अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए शुरू करते हैं सबको, लेकिन उससे पहले ये वाले हमारे पीडीएफ है जिनके बारे में मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स आप ले सकते हो, स्टैटिक जीके का पीडीएफ कंप्लीट ले सकते हो। और बात करें मैथ का गेस्ट पेपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लेके जितना जल्दी हो सके 4 से 5 दिन में 500 क्वेश्चन को लगा डालो, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है। और ये साइंस का पीडीएफ, साइंस की बात करें बात ही खत्म है यहां पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यहां पे जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम होते हैं ना, वहां पे यहां से कई क्वेश्चन फंसे थे, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो निकाल दे तो बाकी सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से आए हुए थे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, दाब एवं घनत्व। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। तो यहां पे इसका क्या पूछा है, द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, तब दाब पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा गाढ़ा करता हूं, ये सही है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, द्रव से भरे हुए बंद पाइप में छेद द्वारा जब वायु प्रवाहित करोगे तो वह सभी दिशाओं में बढ़ता है, सभी दिशाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी द्रव की बात करें, समान क्षैतिज स्तर पर जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही है। तो सबसे पहले इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक यहां पे एटीएम दिखाई दे रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एक एटीएम बराबर होता है आपका 1.01 गुणे 10^5 पास्कल के बराबर होता है। क्या ये सही है, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। 1 mmHg की बात करें, 1 mmHg बराबर कितना होता है, ये आपका 133 पास्कल के बराबर होता है, 1 mm पारा बराबर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ये सही है, एक बार बराबर, ये तो सबको पता होगा, 10^5 पास्कल, 10^5 पास्कल। और एक टॉर की बात करें, 1 mm पारा के बराबर होता है, 1 mm पारा के बराबर होता है, यानी कि कह सकते हैं 133 पास्कल के बराबर, तो यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दाब की मात्रक की बात करें, आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दाब का एसआई मात्रक, ये भी ध्यान रखिएगा, और दाब के मात्रक को हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, किसी संलग्न पर आरोपित दाब उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर तथा पात्र की दीवारों के पर उसी परिणाम से बिना घटे संचरित होता है, यह नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया था। आपने ये वाला नियम दिया होता है, अगर जब हम किसी बिंदु पर प्रेशर डालेंगे तो सभी दिशाओं में समान बल प्रेशर अप्लाई होगा, यानी कि ये हमने पढ़ा था पास्कल लॉ, ठीक है, जिसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक जो मशीन होती है, हाइड्रोलिक जैक कार्य करती है, सारे आपके पास्कल नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि तरल में दाब से संबंधित नियम किसने दिया था, पास्कल ने दिया था, यानी कि यदि किसी तरल पर दाब आरोपित किया जाता तो यह दाब जो होगा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता, गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता, दाबांतर मापी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु का आयतन 50 घन सेंटीमीटर है तो जल में डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। तो आयतन कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब इसको हम किस में बदल दें, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 × 10^-6 m³, ये हो जाएगा, ये आपका -6 होगा, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल बात करें FB या उत्प्लावन बल की बात करें आपका HDG होता है, या फिर यहाँ पे हम आयतन भी लिख सकते हैं, आयतन आयतन गुणे जल का घनत्व, ठीक है, ये हम यहाँ लिख सकते हैं जल का घनत्व,
और गुड़े गुरुत्वी तोड़ यानी कि जी, ठीक, यहाँ पे हम जी लिख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे हमारा एफ बी हो गया आयतन गुड़े जल का घनत्व गुड़े जी। यहाँ पे आयतन हमारा क्या दिया है, 50 गुड़े 10 to 10 power -6, उसके बाद गुड़े 10^3 यहाँ पे जल का घनत्व हो जाएगा, और गुड़े 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जी के स्थान पर, हम 9.8 के जगह पे हम 10 भी पुट अप कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 न्यूटन के समथिंग आएगा, यानी कि 0.5 न्यूटन है। तो यहाँ पे आपका उत्प्लावन जो उत्प्लावन बल का मान होगा 0.5 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वह द्रव में तैर रहा है, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा। द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और आपको पता है वह द्रव में तैर रहा है, उत्प्लावन बल का मान बताना है। तो उत्प्लावन बल एफ बी बराबर आपका डब्लू, जिस एफ बी बराबर जो होता है, ठीक है, ये बराबर होता है डब्लू के, और डब्लू बराबर आपका होता है भार, भार बराबर होता है एम जी, द्रव्यमान दिया है m बराबर 2 किलोग्राम, g आपको पता है आपका 10 रख सकते हो यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको दे देगा g बराबर आपको 10 रखना है, ठीक, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन क्वेश्चन में दे देगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसी ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 घन सेंटीमीटर है, जिसे जल में डाला जाता है। ठीक, ठीक है, एक ठोस वस्तु, देखो न्यूमेरिकल फिजिक्स में मिलते ही मिलते हैं, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 घन सेंटीमीटर है, जिसे जल में डाला जाता है, तो वस्तु जल में क्या होगी। जल में यहाँ पे देखना है, निकालना, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हमें इसमें निकालना पड़ेगा अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व के हिसाब से हम देखते हैं, देखो अपेक्षित घनत्व जब भी एक से बड़ा आया अपेक्षित घनत्व की बात करें तो वस्तु क्या होगा, वस्तु डूब जाएगा। ठीक, अगर जो अपेक्षित घनत्व एक के बराबर आए तो क्या होगा, वस्तु जल में डूब के तैरेगा, और एक से कम आएगा तो वस्तु का कुछ भाग द्रव से ऊपर रह के तैरेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, वस्तु का घनत्व निकाल लो, पहले वस्तु का घनत्व निकाल लोगे। वस्तु का घनत्व कैसे निकालोगे, तो आपको द्रव्यमान दिया आयतन के, द्रव्यमान बटे आयतन कर लोगे। द्रव्यमान 180 ग्राम है, आयतन 360 ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो गया, ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो गया। अब आके बात करें जल का घनत्व, तो आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0.5 भी आएगा, यानी कि एक से कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैरेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तैरेगा। नेक्स्ट बात करें, एक से कम है तो तैरेगा, ठीक है, तैरेगा, और एक से बड़ा है तब डूब जाएगा, ठीक, और एक के बराबर है तो वस्तु जल में डूब कर तैरेगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वस्तु का घनत्व 981, देखो 981 नहीं है, हाँ 981 है, 981 किलोग्राम, अरे हाँ किलोग्राम में दिया, सॉरी यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यों दिया है, तो यह जल में क्या होगा। अब देखो अगर जो किलोग्राम में दे दिया जाए, 981 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 1000 से कंपेयर करेंगे, यानी कि 1000 से बड़ा है तो वस्तु डूब जाएगा, 1000 से कम है तो तैरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु तैरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, अल्कोहल में वस्तु का क्या होगा, यानी कि अगर जो किसी लकड़ी के टुकड़े को हम जल में तैरा देते हैं, अल्कोहल में क्या होगा, वस्तु डूब जाएगा, इसका रीजन क्या होगा, लकड़ी का घनत्व जल के घनत्व से कम लेकिन अल्कोहल के घनत्व जो होता है उससे अधिक होगी, इस कारण से क्या होगा, डूब जाएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु का 1/3 आयतन जल के बाहर तैरता है तथा 3/4 भाग आयतन द्रव के बाहर तैरता है, द्रव का घनत्व बताना है। तो अपेक्षित यहाँ पे द्रव का घनत्व निकालने के लिए पहले द्रव का हम अपेक्षित घनत्व निकाल लेते हैं, द्रव का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, वस्तु में जल के डूबे भाग का आयतन, यानी कि वस्तु में जल के डूबे भाग का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दिया है वस्तु में आयतन जल के बाहर तैरता, तो 1/1 में से 1/3 घटा देंगे। इसी प्रकार से नीचे क्या निकालेंगे, वस्तु का द्रव में डूबे भाग का आयतन हम लिख नहीं रहे यहाँ पे शॉर्टकट में, क्योंकि आप रिविजन कर रहे हो, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 3/4 घटा देंगे, जो 3/4 भाग आयतन द्रव के बाहर तैरता उसको घटा देंगे। अब इसको अगर जो हम
सॉल्व करते हैं तो हमारा 2/3/1/4 आता है, यानी कि आपका 8/3 आता है। अब 8/3 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि द्रव का घनत्व बताना है, तो द्रव का घनत्व निकालने के लिए अब ये द्रव का जो अपेक्षित घनत्व है 8/3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जल के घनत्व से। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 8/3 ही आएगा। 8/3 यूनिट क्या होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहां पे दिया नहीं किसी में, तो 8/3 ही दिया तो 8/3 ही लगाओ, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। एक वस्तु का द्रव्यमान 12.1 ग्राम है, वस्तु का घनत्व 2.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो आयतन बताना है, तो यहाँ पे क्या निकाल लो, आयतन बताना, तो आयतन बराबर आपको पता हो द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, तो द्रव्यमान 12.1 है, घनत्व कितना 2.2 है, घटा इसको भाग करोगे तो 5.5 आएगा, 5.5 के समथिंग आएगा, और घन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, घनत्व का एसआई मात्रक होता, तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, घनत्व के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात। इसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यहां पे 10^-3 याद रखना, 10^-3 घनत्व के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात होता है। घनत्व को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 15 नंबर की बात करें, कोई ठोस जल में नहीं डूबता यदि उसका अपेक्षित घनत्व, जल में नहीं डूबेगा यदि उसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 से अधिक होगा, 1 से बड़ा होगा तो जल में डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या फर्क पड़ता है, तो दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, परम दाब किसके बराबर होते, इस क्वेश्चन को हमने इसी सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है, तो परम दाब जो बराबर होता है गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे 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 आप गहराई में जाते हो और जैसे जैसे खारापन में वृद्धि होती है, तो आपका जो घनत्व होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर होगा। बात करें 19 की, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है, तो नदी में तैरता हुआ जलयान जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, क्यों, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी के जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। आगे बात करें 19, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्यों, इसका रीजन होगा इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इस्पात का जो गेंद होता है वो पारे पर तैरती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अत्यधिक ऊंचाई पर खड़े हुए वायुयान के अंदर क्या होगा, तो अत्यधिक ऊंचाई पर खड़े हुए वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य जो दाब होता है वो बनाए रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, तो वायुमंडलीय दाब के लिए तो सबको पता होगा बैरोमापी का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें 23 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हमें उसे महसूस नहीं कर पाते, इसका क्या रीजन है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, इसका रीजन होता है हमारे शरीर में जो रक्त में का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किससे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, तो इसमें जल की बात हो रही है, 1 किलोग्राम तांबे की बात हो रही है, यहाँ पे ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। आगे चले 25 की बात करें, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है जाता है उस पर उत्प्लावन बल की बात करें, उत्प्लावन बल एक समान रहता है, ठीक, उस पर उत्प्लावन बल एक समान रहता है, जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो एक समान रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण है कि द्रवों द्वारा, इसका कारण होगा द्रवों द्वारा जो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, इसके कारण क्या होगा, एक बड़ी बूंद बनाती है, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में रहता है, इसका क्या कारण होगा, तो इसका कारण होगा कांच के साथ यहां पे पारे, कांच के साथ पारे के असंजन की अपेक्षा जल का ससंजन अधिक होता है, इस कारण से यह क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, रेल की पटरिया के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे या स्लीपर इसलिए बिछाई जाती है जिससे वे
आपको पता है रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न जो दाब होता है उसे घटा सके, इस कारण से रेलगाड़ी के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे या स्लीपर बिछाए जाते हैं जिससे रेलगाड़ी के कारण जो उत्पन्न दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसको घटा सके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, ऑटो वाहनों में द्रव चलित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी इसी वीडियो में मैंने बताया, इसके बारे में डिस्कस किया था, ये पास्कल्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें बैरोमीटर को, बैरोमीटर की बात करें तो यहाँ पे वायुमंडल दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये वाला तो सही है। ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, ये वाला गलत है। और बात करें द्रवों का घनत्व ज्ञात, ये भी गलत है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है, यानी कि 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, एक अंडे को जल में एक अंडा नल के जल में डूब जाता है, किंतु जल में साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता है, इसका क्या रीजन होगा? तो यहाँ पे रीजन की बात करें, अंडे का घनत्व जो होता है वो नमक के घोल जो घोल में इसमें अंडे का घनत्व की बात करें, नमक के घोल के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से नमक के घोल में अंडा जो होता है वो तैरता रहता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता है उस पर उत्प्लावक बल की बात करें क्या होता है? घटता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित एक किसी कण का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग जो होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, एक बार किसके बराबर? तो एक बार 10^5 पास्कल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35, उत्प्लावी बल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावी बल की बात करें, ये किस पर डिपेंड करता है? ये विस्थापित जल तरल के घनत्व पर, विस्थापित तरल के घनत्व पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 36 की बात करें, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इस कारण जल के पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा जो होता है नहीं तैरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है, अभी जो भी कम समय में आप क्वेश्चंस कर लो मैक्सिमम, ठीक है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी, पहले हमने आपने देखा होगा पहले वाला एक क्लासेस अच्छे होते थे, लेकिन अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ये भी क्लासेस अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का जो सिद्धांत है, प्लवन का सिद्धांत है, किसने दिया था? तो ये सबको पता होगा, आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो बुलबुले पर लगने वाले दाब क्या होगा? बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? तो वह क्या होगा? कम होगा, ठीक। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो बुलबुले पर लगने वाला दाब होगा कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चले 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, ये भी सही है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, ये भी सही है, यानी कि यहां पे डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तीनों। नेक्स्ट बात करें, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका रीजन पता है? तो यहाँ पे दाब अधिक होने से बर्फ का घलनांक घट जाता है, इस कारण से दोनों टुकड़े जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। 42 की बात करें, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता की बात करें गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 43 की बात करें, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो कि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इस कारण से समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, ऑप्शन नंबर सी। 44 की बात करें, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ इनमें से क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चले 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वायु दबाव बनाती है, तो वायु दबाव की बात करें क्या बनाती है? ये सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, ऑप्शन नंबर सी, वायु जो होती है सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। 46 की बात करें, वायु का वेग संबंधित, वायु के वेग की बात करें दाब प्रवणता, इनमें से ऑप्शन के हिसाब से दाब प्रवणता से संबंधित है। 47 की बात करें, किसी द्रव के बारे में उबल गया यह तब कहते हैं जब उसका उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब होता है जो वो परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं कि हमारा द्रव जो है उबल गया, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, जब किसी पिंड को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता तो एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल का अनुभव करता है, यानी कि आप किसी वस्तु को पानी में डुबाओगे नीचे तो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करेगा जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यह सिद्धांत
किसका सिद्धांत कहलाता? तो यह कहलाता आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 49 है। एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो उस पर क्या होगा? ध्यान रखना, यह पारे और पारा की सतह पे ये होगा तैरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तैरेगा। ठीक, और इतने ही क्वेश्चन थे, 49 क्वेश्चन हमने किए इस सेशन में, और टॉपिक का क्या नाम था? दाब। ठीक है, दाब और घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो पीडीएफ के बारे में मैंने बताया ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, चल।